हेलो यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मातली के अंदर एक फार्म है जहां पर अंडों की मुर्गियां तैयार की जाती हैं और फिर उनसे अंडा हासिल करके मार्केट में फरोख्त किया जाता है। तो आज हम इसके हवाले से थोड़ी सी मालूमात लेंगे इनसे कि ये बच्चा कितने का लाते हैं और कितने टाइम इसे पालते हैं और फिर उसे एक मुर्गी से कितना टाइम तक अंडा ले सकते हैं ये लोग, और फिर इसकी बीमारियाँ, वैक्सीनेशन, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मालूमात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अर्ज़ है कि हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये भाई साहब हैं जो इस फार्म को संभालते हैं, देखते हैं, टोटल काम यही करते हैं यहाँ पर। तो इनसे मालूमात करते हैं कि ये कितने बच्चे, ये इनका तो माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है। ये इस तरीके के, ये जो आपको शेड दिख रहा है इसके अंदर माशाल्लाह, इसके अंदर कितने बच्चे हैं अभी? इसके अंदर तकरीबन जो है 14,500 मुर्गी है। 14,500 मुर्गी है एक शेड के अंदर। और ये आपके कितने शेड हैं जिसमें बच्चे आप तैयार करते हैं? वहाँ पर तकरीबन टोटल है 4 शेड जिसमें बच्चे तैयार हो। एक में 10,000 मुर्गी है, एक में 18,000 है, एक में 9,000, इसमें 14,000 है। इसमें 14,000। अच्छा, ये एक बच्चा मैक्सिमम कितने रुपये का आपको पड़ता होगा जब बच्चा लेकर आते हैं, डालते हैं? रेट मुख्तलिफ होता है हर, मतलब कि दिन बार दिन चेंज होता रहता है जिसमें। अच्छा, अब ये जो चूज़ा है हमारा 56 रुपए का एक आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये 56 रुपए का एक चूज़ा आता है? ये जो सब मार्केट जो अच्छा तो रेट ज़्यादा था। अच्छा, इससे पहले जो चूज़ा है वो 30 रुपए का है, फिर कोई 15 रुपए का है। अच्छा, 20 रुपए का है, मुख्तलिफ रेट में आता है, डेली इनका रेट चेंज होता है। अच्छा अच्छा, तो ये कितने दिन में तैयार हो जाते हैं अंडे देने के लिए? अंडे देने के लिए तकरीबन 6 महीने लगते हैं इसमें। 6 महीने लगते हैं इसमें? 4 महीने तक जो है बिल्कुल अंडा नहीं आता। अच्छा, उसके बाद तकरीबन 4-5 महीने जब शुरू होता है उसके अंदर अंडा आना शुरू होता है फिर स्टार्टिंग से। अच्छा, कितने टाइम तक अंडा एक मुर्गी देती है? तकरीबन 2.5 साल तक। 2.5 साल? अच्छा, रेगुलर देती है, बीच में गैप करती है? रेगुलर 2.5 साल तक। अगर उसके बाद आप उसको मोल्ड पे कर दें, मिसाल के तौर पर खाली फीड भी छोड़ के भूसा वगैरह खिलाएं, तो फिर 6 महीने दोबारा अंडा देना शुरू कर देगी। अच्छा, 2.5 साल बाद। अच्छा, 2.5 साल के बाद अगर 6 महीने तक हम उसे मोल्ड कर दें, दूसरे यानी कि फीड के अलावा दूसरा चारा दें उसे, उसके बाद कितने टाइम बाद फिर अंडा देगी? फिर 4 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद फिर अंडा देना शुरू हो जाएगी। फिर वापस से 2.5 साल तक दे सकती है? 2.5 साल तक नहीं, फिर कुछ टाइम या 2-4 महीने देगी? 2-4 महीने देगी। अच्छा अच्छा, इसकी जो वैक्सीनेशन होती होगी वो भी आप इधर ही करते हैं? डॉक्टर आता है इधर? डॉक्टर आता है, डॉक्टर आता है। शेड्यूल बना वैक्सीन का? अच्छा अच्छा, चले अभी अपन जहाँ पर अंडे हैं वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ से बाकी वीडियो बनाते हैं। ये जगह है जहाँ पर जो है ना वो तकरीबन 5 महीने के बच्चा होने के बाद यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि अभी बाज ने अंडे दिए हैं, बाज ने नहीं दिए, तो अभी प्रॉपर तरीके से अंडा देना शुरू नहीं हुई है। कुछ दे रही हैं, कुछ नहीं, तमाम की तमाम नहीं दे रही। ये देखें आप, और ये साइज़ भी इसका जो है वो अभी कुछ छोटा साइज़ है, साइज़ भी अभी छोटा है। और अभी दूसरी जगह चलेंगे जहाँ पर जो पुरानी मुर्गियाँ हैं जिनको 1.5 साल हो गया अंडा देते हुए, उनका साइज़ भी आप देखिएगा, उनका साइज़ भी कितना बड़ा होता है। तो ये था जो अभी मुर्गियाँ डाली हो, बिल्कुल फ्रेश भी लग रही हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी भी लग रही हैं, क्योंकि अभी अभी ये अपने दूसरे शेड में से अंडे देने वाले शेड में आई है। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। चलें, ये है जहाँ पर बहुत पुरानी मुर्गियाँ रखी, यानी कि 1.5 साल, 2 साल पुरानी मुर्गियाँ हैं यहाँ पर। और ये देखें आपके सामने माशाल्लाह काफ़ी तादाद के अंदर अंडे हैं। तो इनसे पता करते हैं कि अब इसके अंदर ये कितना टाइम तक रहेंगी और जिस हिसाब से इन्होंने किया हुआ, इनको कितनी फीड देते हैं, किस टाइम देते हैं और कितनी मरतबा देते हैं, यही मालूमात करते हैं इनसे। इस सर, ये दिन में कितनी बार फीड देते हैं तकरीबन? दिन में हम सिर्फ 2 बार फीड देते हैं, एक सुबह 7 बजे देते हैं, हाँ, उसके बाद शाम में 6 बजे देते हैं। शाम 6 बजे देते हैं? सुबह 7 बजे फीड देने के बाद जो है पानी देते हैं, हाँ, उसके बाद इनका टाइम होता है अंडे का। ठीक, 2 से 2.5 बजे तक अंडा ये दे देती है। यानी तमाम की तमाम मुर्गियाँ 2-2.5 बजे तक अंडा दे देती हैं, उसके बाद अंडा उठा लेते हैं? उठा लेते हैं, उसके बाद फिर कोई अंडा नहीं आता। फिर अंडा आता है तो थोड़ा लेट, 5 बजे कोई 1-2 आ गया अंडा, अदरवाइज जो है ना 2 बजे तक मैंने रात का टाइम जो होता है इसका अंडा देने का। अच्छा, इस मुर्गी को कितना टाइम हो गया? इसको 2 साल हो गए। इसको 2 साल हो गए, बाकी इसके 4-5 महीने हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए, तो इसका माशाल्लाह साइज भी हम देख सकते हैं कि साइज बड़ा है, काफी बड़ा साइज है, आप देखेंगे साइज भी बड़ा, वजन भी जो है तकरीबन, वजन भी माशाल्लाह इसका अच्छा है।
अच्छा जब ये अच्छा इसको वजन के हिसाब से फीड देते हैं या बस? नहीं नहीं वजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से फीड दिया जाता है। अच्छा मतलब कि ये अगर एक पूरा केज का है तो हम पूरे केज के अंदर जो है 18 किलो चलाते हैं। 18 किलो इस केज में चलाते हैं, इसमें मुर्गियां करते हैं, जितनी मुर्गियां हैं उसके ऊपर हम डिवाइड करते हैं। अच्छा हाँ, तो 20 ग्राम फीड आ रही है, 25 ग्राम आ रही है, 30 ग्राम आती है, फिर उस अंडे का साइज भी उसी हिसाब से आप अंदाजा लगाते हैं कि हमने 20 ग्राम दी थी, अंडे का साइज थोड़ा छोटा है तो हम 22 ग्राम कर दें, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। मौसम खराब होता है, गर्मी होती है, ठीक है, ज्यादा गर्मी में फीड नहीं दिया, सही है, एक तो फीड की गर्माइश ज्यादा होती है, दूसरा अंडा भी देरी होती है, हाँ मरने का खतरा चांसेस ज्यादा है। अच्छा जी, मैंने देखा पीछे आपका वो पूरा कारखाना बना हुआ है, वहाँ पर कच्ची फीड लेकर आते हैं आप, उसके बाद मटेरियल आता है? अच्छा, मटेरियल के अंदर काफी सारी चीजें होती होंगी, चावल हो गई, मक्की हो गई, मिर्ची हो गई, कैनोला हो गया, सनफ्लावर हो गया, शीरा हो गया, अच्छा मेडिसिन मिलती है वो डालते हैं। अच्छा, इसकी वैक्सीनेशन की क्या सूरत होती है, इस जब बीमार कोई होती है तब करते हैं या? नहीं नहीं, इसकी टोटल 8 वैक्सीनेशन है। अच्छा, NDIB और ठीक है, उसके बाद इसके हम क्या कहते हैं पानी में चलाने के लिए लसोटा आता है, वो वैक्सीन करते हैं, ठीक है, दूसरा मुख्य वैक्सीन है इसका। अच्छा हाँ, 8 से 10 वैक्सीन होते हैं साल में, लाजमी है साल में, हर यानी के हर साल लाजमी टाइम पीरियड रखा हुआ है, इसमें ये देनी है, इसमें ये देनी है, इसमें ये देनी है। अगर बीमार होती है बुखार वगैरह तो हम बाहर की दवाई चलाते हैं, अच्छा और दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर। अच्छा, एक केज ये कितनी मुर्गियाँ एक केज के अंदर? 480 एक केज के अंदर, और आपके पास ये माशाल्लाह 3 26 केज, एक में 26 केज है, और ऐसे शेड आपके पास 3 है, 3 शेड है, और इसमें ज्यादा है या दो बराबर बराबर? अच्छा सर, आपका नाम बता दें और जगह बता दें, एड्रेस। जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, डाइन पोल्ट्री फार्म के नाम से, हमारे ओनर इस वक्त बाहर है, ठीक है, तो मातली टनो गुलामी रोड बाईपास पर ये फार्म मुकाम है, ठीक है, डाइन पोल्ट्री फार्म, ठीक है, चले जजाकल्ला। माशाल्लाह, मैं भी आपको दिखाता हूँ इसका अंडे का साइज, वो भी साइज देखा था हमने, और ये साइज भी, इसके अंदर बड़े बड़े अंडे भी आ जाते हैं, देखें ये साइज भी है, और उसके साथ साथ माशाल्लाह एक मैंने देखा था बहुत ही माशाल्लाह बड़ा अंडा आया था, ये देखें, ये साइज भी आप देख सकते हैं कि साइज भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा साइज है। तो जिसने भी माशाल्लाह ये फार्म खोला है तो माशाल्लाह बड़ी इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने, आप देख सकते हैं वो बहुत दूर तक है, 26 केज है ऐसे, 26 केज है, और इनके पास 3 शेड हैं। तो अभी उनका फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं इनका, अगर आप में से किसी को पोइट्री के वैक्सीनेशन के हवाले से मालूम करनी हो या कुछ अपने पास रख मुर्गियाँ पालनी हो तो आप मुकम्मल मालूम ले सकते हैं आप। अच्छा, अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, ये नंबर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, वैसे बता रहा हूँ, वीडियो में नहीं, नहीं वैसे आपको बता देता हूँ, लिंक में डाल देता हूँ। हाँ, लिंक में भी डाल दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप भी बता दो, 03000 हाँ 350201 चलें, ठीक, चलें, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।